वेलकम टू इंडियन वेडिंग, रोटी की फोटो ले रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्राउन डॉटर। आई एम जानवी तिवारी एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। आज है 8 फेब और अभी मैं हूँ मेरे नानी के घर पे, विच इज नियर कानपुर। एंड हम यहाँ आए हैं हमारे चाचू की वेडिंग अटेंड करने एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर फन, क्योंकि सारे कजिन सारी फैमिली मेम्बर्स मिल के अटेंड करने वाले एंड ये प्रॉपर गाँव में होने वाली है एंड आई एम गोइंग टू स्टे मेरे गाँव में बहुत 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 टाइम के बाद। छोटे पे कथा हुई थी तब ऐसा फन हुआ था, तो आई एम रियली एक्साइटेड। अभी हम तैयार होते क्योंकि अभी हमें निकलना है पापा के घर के लिए। सो यस, लेट्स हैव लंच एंड लेट्स गो। मैं ना आप लोगों को ये सारी चीजें पहली बार दिखाने वाली हूँ और मैं भी पहली बार अटेंड करने वाली हूँ, तो बहुत मजा आने वाली है। हेलो हेलो, आर यू एक्साइटेड? यस ऑब्वियसली आई एम एक्साइटेड। हाय चलू। हेलो, गाइस हम खा रहे हैं, मम्मी थोड़ी लेट हो गई और मम्मी ने लिपस्टिक की जगह सिंदूर लगा लिया जल्दी जल्दी में। मेरी मम्मी लग बहुत सुंदर है, मेरी मामियों की बदौलत मम्मी सुंदर लग रहे हैं आज। फुल साड़ी क्रेडिट, ब्लाउज क्रेडिट, लिपस्टिक क्रेडिट, ज्वेलरी क्रेडिट, बिंदी क्रेडिट, एवरीथिंग गोज टू मम्मी। हम बहुत लेट हो गए फिर भी मैं खाना बंद नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मामी ने बहुत अच्छा बनाया। हेलो, हम आ गए कार में एंड मम्मी इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। एंड मैं शादी लायक लग रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, आप एकदम बंटन के ससुराल जा रहे हो, छोटी बहू। ये देखो दो हाजमोला खाने हैं, एक में टेस्टी नहीं कर गया। जो हमारे उत्तरायण के ब्लॉग्स बहुत अच्छे से देखता होगा वो अन्नु चाचू को जानता होगा, तो उनकी शादी है। मम्मी आपको बहुत अलग नहीं लग रहा? वहाँ पे मम्मी अब बहुत ज्यादा कूल फिट्स, ढीले ढीले बैगी कपड़े पहनती है और यहाँ पे मम्मी एकदम अलग ही अवतार। कभी नहीं पहनते हैं, बट बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है दो बूंद पोलियो। नमस्ते बाबा। हेलो, पल्ला दुर्गा पल्ला, मम्मी ससुराल आई है, ये लो। हेलो, नमस्ते दादी, कैसे हो? बहुत अच्छे। हेलो, हेलो, इनकी शादी है। सही है। नमस्ते बड़े पापा, आप यहाँ पे भी एडिट कर रहे हो? मेरे पेपर निकालना रह गया। अरे नमस्ते दादी। नमस्ते। अब आपको दूल्हे राजा वाली दूल्हा वाली कैमरे लग गया आपके ऊपर। बिल्कुल आ रही है। बट मस्त लग रहे हो। अच्छा, अभी इतना मस्त लग रहा है। क्या ले रही है सही? हमें ना बहुत टाइम बाद है, हम सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ वो कच्चा था ना पूरा, दे हैव क्रिएटेड अ गार्डन। क्या ठंड आता था। है ना भाई, मेरे को भी बहुत गमर। हमारी वो थी एक रूम था जिसमें ये लोग मेरे को डराते थे छोटे पे कि बंद कर देंगे बंद कर देंगे बंद कर देंगे। गोपाली है वो, सैली है ये, गोपाली से गोपाली बोल रही है। गोपाली ये जानती है इसके पास मेकअप है, ला दो लहंगा पहनाओ, लहंगा पहनाओ इसको। अच्छा, और ये बार आप उत्तरायण पे आए भी नहीं, इसीलिए तो नहीं आए थे। अब आप समझो क्यों नहीं आए थे, क्योंकि कहीं और बिजी थे। नहीं अब समझो क्यों नहीं आए थे, अगली बार डबल आना है। ऑल्सो गाइस दिस इज द वेल, यहाँ पे बहुत अच्छा पानी आता है। दिस इज द आंगन, ये क्या बन रहे? समोसे, समोसे बन रहे। जानवी आ गई है। पान भैया सही बोलता था, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, क्योंकि मेरे को यही लग रहा है मैं ब्यूटी पार्लर वाली आंटी। हाँ। देखो बच्चे भी यही कह रहे हो। थैंक यू। चीयर्स। लो चली मैं देवर की बारात लेके, लो चली मैं। हमारे हीरो जीजू इज हियर, वन एंड ओनली जीजू। हेलो। हाय।
से रोटी फोटो याद है क्या मेरे रोटी की फोटो ले रहे खाती तो मेरे लड़का अम्मा चाचू को डांट रही है मार भी पड़ी है कल शादी आज पीट रही है अपनी मम्मी से शादी का घर है आपको पता चलना चाहिए सारे समोसे खत्म किए गए हैं गरिमा तिवारी ने द नेक्स्ट डे हेलो गुड मॉर्निंग गलम जलेबी देख गुड मॉर्निंग मैं जस्ट अभी उठी हूँ ब्रश किया है उठते ही सीधे मुंह में जलेबी गई है और बड़ी क्रंची जलेबी है बहुत मस्त है बहुत मस्त है और यहाँ पे बहुत ठंड है गुजरात के हिसाब से कैसे बैठे हो मैंने यहाँ पे 3 जोड़ी कपड़े पहन रखे हैं हमने कल आपको मेहंदी दिखाई थी वो देखिए रच गई है कैसा लग रहा है आज आपकी शादी है समझ में तो जान खाई है बन रही है जलेबियाँ क्या क्रंची जलेबी है गरम 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 भल्ले कभी नरम नरम कभी गरम गरम बस गाइस खाने में क्या स्वाद है मैं और जीजू अभी चाय का वेट कर रहे हैं क्यों जीजू उसके बाद हम चाय चालू करेंगे भल्ले खाएंगे मजा आने थैंक यू मैडम कम कम मैडम मम्मी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे को है ना छोटे पे करने में बहुत मजा आती थी और अभी भी आती है लुक एट माई मेहंदी जो मैंने कल लगाई थी छोटी सी और अभी हम बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे हैं पहली चीज ठंड है दूसरी चीज बहुत खा लिया है सो यस आई माइट गो टू नानी प्लेस अगेन क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत काम है सो लेट्स सी ये देखो हल्दी लगी है हाय गाइस वी आर हेडिंग टू नानी प्लेस और मैं आपको बताती हूँ कौन कौन जा रहा है आगे हैं दोनों पापा यहाँ पे दोनों मम्मी एंड कोपू दीदी और मैं वैसे हमने सोचा था कि हम नहीं जाएंगे हम सारे कपड़े वगैरह ले आए थे बट मुझे काम है तो इसके लिए हम जा रहे हैं लेट्स गो लो हम फिर आ गए साड़ी पहन ले ओ नहीं नहीं मैं नहीं पहन रही साड़ी उसे पहननी है आपको क्या पहनना है मैं तो लहंगा पहन रही हूँ आज तो साड़ी तैयार तो क्या हो गया वो पहन लेगी तो मैंने नहा धो लिया है एंड आई एम हैविंग थेपला राइट नाउ एंड वर्किंग एंड हैविंग सम चाय अब मुझे पता चल रहा है यूपी वाले इतनी चाय क्यों पीते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है हाँ और आज तो लाइक सन दिख ही नहीं रहा है इट्स वेरी क्लाउडी इट्स वेरी ग्लूमी बहुत ठंडी हवा चल रही है एंड आई एम लविंग इट एंड हैविंग दिस और ऐसा कहा जा रहा है कि अन्नू चाचू ने ना अपनी किसमें वो खाया होगा कढ़ाई में खाना खाया होगा इसके लिए आज बारिश हो रही है तो आपके वहाँ पे भी ऐसा कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं तो नहीं मानती नानी ओके सो मैं काम कर रही हूँ और दीदी मुझे खिला रही है क्योंकि मम्मी नहीं है गाइज मम्मी भी यहाँ पे कुछ काम से आई थी मम्मी नई चाची के लिए गिफ्ट लेने आई थी ले आए गिफ्ट ले आए बहुत सुंदर लाए हैं बड़ी मम्मी मम्मी दोनों ले आए हैं ये लो रख लो मम्मी और अभी हम वापस जाएंगे हम लोगों ने ना लिया है मैंने वो ब्रांड का काम कर लिया है मम्मी ने गिफ्ट खरीद लिया है एंड नाउ वी विल हेड बैक और आज क्या होगी मम्मी निक्रोसी होगी ना बारात निकलेगी आज बारात निकलेगी और हम जाएंगे चाची को लेने सो दैट्स द प्लान और जो चाचू है ना वो काफी यंग है तो वो हमारे एज ग्रुप में ही आ जाते हैं इज नॉट लाइक अ चाचू चाचू बट हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं वो ओके गाइस सो हमें ज्वाइन करी है रंजना मामी एंड झल्लू एज वेल दो लोगों की जगह में 3 बड़ी लड़कियां और एक सूटकेस विद अ लॉट ऑफ झोलास बैठने की वेलकम टू इंडियन वेडिंग आधी बातें सुनाई नहीं दे रही क्योंकि मैंने कान में रुई डलवाई थी ठंड की वजह से सेम मेरे को ऐसा लग रहा है ये एयरपोर्ट्स पहन रखे जो बजेंगे बट बज नहीं रहे लेट्स गो बड़ी मम्मी ये एसी जितनी भी हमारी तरफ से सारी हटा दो जब 5 6 7
एक तो हमें पीछे डाला गया है, देख रहे हो, इधर बैग हर जगह बैग हम बैग के बीच में हमें डाल दिया गया है। तो अभी हमें जाके तैयार होना है एंड आई एम एक्साइटेड। और जानवी तुझे तो दूल्हे राजा को भी तैयार करना है, सब तेरे भरोसे मेकअप के लिए बैठे हुए हैं। जानवी ना हर शादी में जाके ब्यूटी पार्लर वाली दीदी बन जाती है। बट द थिंग इज एट लीस्ट दे गेट पेड, आई डोंट गेट पेड। यस, आईब्रोज बनवानी है जानवी। मैं बड़े पापा से ये बार पैसे लूंगी सबका मेकअप करने। गाइज मैं और बड़े पापा काफी सिमिलर है इस बात पे, हम दोनों को बहुत ठंड लगती है। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, अब हमें लग रहा है लगा। अरे सन लुक्स ब्यूटीफुल एएफ जस्ट लाइक मी। मम्मी सो गए? मेरी मम्मी कहीं पे भी कितने भी मिनट के लिए सो सकती है। और रंजना मम्मी आपको क्यों लाया गया है? साड़ी गिनाने कोई भी काम ना ज्यादा अच्छा करना ही नहीं चाहिए जीवन में। बेचारी रंजना मामी आज साड़ी पे रही। रंजना मामी बहुत अच्छी साड़ी पहन रही। मामी आपने खिड़की खोल दी, ठंडी लग रही, ठंडी। एंड गाइस वी आर बैक। ये ढोल मत कौन बजा रहा है? ढोल आए आए, आई एम सो एक्साइटेड। एवरीवन इज ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पे चीजें चालू हो गई हैं ऑलरेडी। मैं करने जा रही हूँ चेंज और ऑलरेडी सारे फंक्शंस हो गए हैं, लोग तैयार हो चुके हैं एंड आई एम बीइंग वेरी लेट, सो लेट्स चेंज ऑन, लेट्स गेट रेडी। यहाँ पे देखो जीजू मिरर पकड़ के खड़े हैं दीदी के लिए, देख रहे हो? अरे महीना है मेरी 8 साल की। नाइस नाइस। चलो अभी मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, मैंने मम्मी बड़ी मम्मी को तैयार कर दिया है, सो इट्स टाइम फॉर मी। I don't know, मैं कैसे तैयार हुई हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, बट ठीक है। और मैं फ्लैश लाइट में ब्लॉग कर रही हूँ। Look at her! मैं इतनी जल्दी कभी तैयार नहीं हुई हूँ और इतनी हड़बड़ाहट में। Yes, so let's go. नहीं मतलब ऐसे नहीं होता ना, फिर अभी हम खा नहीं पाएंगे जल्दी जाके।